क्या रेप के लिए फांसी की सजा दी जाएगी? लड़के हैं, गलती हो जाती है तो क्या फांसी पर लटका दोगे? ये कहना था समाजवादी पार्टी के फाउंडर और नेता मुलायम सिंह यादव के। विचार है तो ठीक हो, फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? तीन लड़के हैं, गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी बंबई में, अब सोचिए। और इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के 37 सीट के साथ बीजेपी 240 और कांग्रेस 99 के बाद भारत की थर्ड सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन इस पार्टी का और इसके फाउंडर मुलायम सिंह यादव का इतिहास वो कुछ ऐसा रहा है जिसको सुनने के बाद काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। अब देखिए, किसी भी पार्टी के फाउंडर से उस पार्टी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि वो पार्टी किस आइडियोलॉजी और किस आधार पर राजनीति करती है। जैसे सबको पता है कि बिहार में लालू यादव करप्शन और गुंडा राज के लिए फेमस है और उनके बेटे और बेटी ने उनके इस काम को आगे भी बढ़ाया है, इसलिए उनकी पार्टी आरजेडी को अब लोग करप्शन से जोड़कर देखते हैं। इसलिए आज हम समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव की लाइफ को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मुलायम सिंह यादव को एक समय पर मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा काम किया जो कि बहुत ही प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू था। उन्होंने कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाने के आदेश दिए थे, जिस वजह से कई कर सेवक मारे गए थे। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग 17 कर सेवकों की जान गई थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि 50 से कई ज्यादा लोग मारे गए थे। दरअसल 1980 से 1990 तक जब राम जन्मभूमि का मामला बहुत जोरों शोरों से चल रहा था, वीएचपी आरएसएस बीजेपी मिलकर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाने की मांग कर रही थी, उसी मांग को पूरा करने के लिए 1990 में बीजेपी के प्रेसिडेंट लाल कृष्ण आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली थी। ये यात्रा 25 सितंबर को सोमनाथ से शुरू होनी थी और कई सारे शहरों से होकर 30 अक्टूबर को अयोध्या में खत्म होनी थी। उस टाइम पर इंडिया में जनता पार्टी की सरकार थी और वीपी सिंह पीएम थे और यूपी, बिहार और बाकी कुछ स्टेट्स में भी जनता दल की ही सरकार थी। पहले बीजेपी ने सरकार का साथ दिया था, लेकिन राम मंदिर यात्रा को अपोज करने के बाद बीजेपी ने वीपी सिंह की पार्टी से सपोर्ट विड्रॉ कर लिया और बाद में वीपी सिंह को पीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो उस टाइम पर यूपी में और बिहार में भी जनता दल की सरकार थी। उस समय मुलायम सिंह यादव और लालू यादव दोनों जनता दल में थे और स्टेट सीएम थे। बाद में जनता दल टूट गया और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने अपनी अलग अलग पार्टी बना ली थी। तो अब वापस से रथ यात्रा के ऊपर आते हैं। 25 सितंबर को रथ यात्रा सोमनाथ से शुरू होती है और पूरे भारत में इसको एक बहुत ज्यादा हैवी सपोर्ट मिलता है। इसको भारत का आज तक का बिगेस्ट मास मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि भारत के लगभग हर हिंदू इस रथ यात्रा को सपोर्ट कर रहे थे और ये रथ यात्रा बीजेपी को इंडिया में एक अच्छी इमेज भी प्रोवाइड कर रही थी। यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी के मंदिर वहीं बनाएंगे के भाषण के बाद देश में रिलीजियस टेंशंस भी बढ़ गई थी। मुलायम सिंह ने 30 अक्टूबर के पहले ही तैयारी कर रखी थी। करीब 20,000 सिक्योरिटी फोर्सेस को अयोध्या में जगह जगह पर तैनात किया गया था और मुलायम सिंह यादव कह रहे थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन इसके बावजूद हजारों कर सेवक मस्जिद के ढांचे के करीब पहुंच गए और उन्होंने पुलिस वालों के बैरिकेडिंग को तोड़कर मस्जिद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। और जब मुलायम सिंह को लगा कि अब मस्जिद के ढांचे के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, तो उन्होंने पुलिस वालों को कर सेवकों के ऊपर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। गोलियां चली और तमाम कर सेवक मारे गए। 30 अक्टूबर के बाद 2 नवंबर को भी गोलियां चली, जिसमें वो कोठारी ब्रदर्स भी मारे गए। इनफैक्ट 2017 में मुलायम सिंह यादव ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अगर हम गोली नहीं चलवाते तो ये लोग मुसलमानों का क्या हाल करते। उन्होंने कानून तोड़ा तो गोली चलवाई, अब उन लोगों ने हमारे खिलाफ केस कर दिया। इसके बाद बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने मस्जिद गिरवा दी और इसलिए अगले इलेक्शन में उनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया और इसलिए हम यूपी में सरकार बना पाए। सारे मुसलमानों ने कम से कम 70% मुसलमानों ने वोट दिया और 70% माने सबने दिया वोट। तो आज हमारा मुसलमान समाजवादी पार्टी से काफी जुड़ा है। तो इससे ये तो साफ होता है कि मुलायम सिंह एक पार्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते थे सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। मुलायम सिंह यादव के वुमेन्स पर कुछ कंट्रोवर्शियल विचार थे। जब 2010 में यूपीए की गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास करवाने की कोशिश की थी, जिसके तहत लोकसभा की एक तिहाई सीट वुमेन के लिए रिजर्व हो जाती, तो उसको मुलायम सिंह ने विरोध भी किया और कांग्रेस से अपना अलायंस तोड़ने की धमकी भी दी थी। इसके बाद 2012 में उन्होंने कहा था कि सिर्फ बड़े परिवारों की औरतें ही वुमेन रिजर्वेशन बिल के जरिए पार्लियामेंट में जा सकती है, ना कि गरीब महिलाएं, क्योंकि वो
अमीर औरतों की तरह अट्रैक्टिव नहीं होती है। उनके इस बयान को बहुत से लोगों ने सेक्सिस्ट बताया था। यहाँ तक कि अमर सिंह, जो मुलायम सिंह के बयान देने के कुछ महीनों पहले खुद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने भी इसकी निंदा की और कहा था कि ये बयान गलत है और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया था कि मुलायम सिंह जी कहते हैं कि इस बिल में मुस्लिम और ओबीसी महिलाओं को इस बिल के अंतर्गत स्पेशल कोटा मिलना चाहिए, लेकिन मुलायम सिंह जी ने खुद पार्टी में कई बार ऐसी औरतों को सपोर्ट किया है जो अमीर है और अच्छी भी दिखती है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ही फॉर्मर मेंबर जयप्रभा ने भी उनके ऐसे बयान का विरोध किया था, तो उनकी पार्टी के फॉर्मर लीडर ही इनकी बातों का विरोध करते थे, बाकियों की तो हम क्या ही बात करें। 2015 में मुलायम सिंह ने एक आईपीएस ऑफिसर अमित ठाकुर को धमकी दे डाली थी और इस शीर्ष की कॉल रिकॉर्डिंग भी बाद में बाहर आई थी, जिसमे उन्होंने कहा था कि अब आप सुधर जाइए वरना आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। जसाना की दावत वाली बात भूल गए आप, यही करना पड़ेगा आपका। सर आदेश करें सर। आदेश का आप मना शुरू कर रहे तो जसाना में रामवीर के यहाँ जब दावत थी सर तो भूल गए आप। नहीं सर, क्या हुआ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। मैं समझ में ये नहीं आया तो बनिया उसके खिलाफ करने लगते शुरू। किसके खिलाफ सर? अब हम बता देंगे आप फोन करने। सर अब आप सुधर जाइए, तय कह दिया मैंने। दरअसल अमिताभ ठाकुर की वाइफ नूतन ठाकुर एक एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक स्टेट मिनिस्टर गायत्री प्रसाद प्रजापति पर केस कर दिया था कि वो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। अब गायत्री प्रसाद समाजवादी पार्टी के नेता और उस समय यूपी के माइनिंग मिनिस्टर थे, तो मुलायम सिंह को ये बात खराब लगी और उन्होंने अमिताभ ठाकुर को फोन पर धमकी दिया कि सुधर जाओ। लेकिन ठाकुर ने बिना डरे उस टाइम पर जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब भी मुलायम सिंह के खिलाफ कंप्लेन लिखने का फैसला किया। फोन कॉल के अगले ही दिन 11 जुलाई को वो रिपोर्ट लिखने के लिए हजरतगंज पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन पुलिस ने मुलायम सिंह के खिलाफ कंप्लेन लिखने से मना कर दिया। लेकिन उसी रात 11 जुलाई को ठाकुर और उनकी वाइफ नूतन ठाकुर पर किसी ने झूठा रेप केस दलवा दिया, जिसके चलते 13 जुलाई 2015 को ही स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, ये कहते हुए कि वो इनडिसिप्लिन है और एंटी गवर्नमेंट व्यूज रखते हैं। इसके अलावा अपनी संपत्ति का गलत जानकारी देने का केस भी कर दिया गया। हालांकि बाद में ये जो दोनों के दोनों कंप्लेन थे वो कोर्ट में गलत साबित हुए, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति जिनके खिलाफ नूतन ठाकुर ने रिपोर्ट लिखवाई थी और जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उनके खिलाफ 2016-2017 के दौरान एक रेप का केस हुआ जिसमें वो दोषी पाए गए। उन्होंने चित्रकूट में एक औरत के साथ बलात्कार किया और उसकी फोटो ले ली, जिसके बाद वो 2 साल तक उसका रेप करते रहे और फोटो वायरल करने की धमकी देते रहे। जब इस औरत ने कंप्लेन लिखने की कोशिश की तो यूपी पुलिस ने कंप्लेन लिखने से मना कर दिया, जिसके बाद उस औरत को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा जहां उन्हें न्याय मिला और फरार हुए गायत्री प्रसाद को पकड़कर जेल में डाला गया। तो मुलायम सिंह ने एक रेपिस्ट को सपोर्ट करने के लिए आईपीएस को धमकी दे डाली और उसको सस्पेंड भी करवा दिया। लेकिन मुलायम सिंह रेप के बारे में जैसे विचार रखते थे उन्हें सुनकर इस बात पर ज्यादा शौक नहीं होता। 2012 में निर्भया गैंग रेप केस के बाद से रेप को इंडिया में कैपिटल ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, यानी यदि कोई रेप करता है तो उसको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। ये लॉ पास होने वाला था लेकिन मुलायम सिंह यादव ने इस लॉ को अपोज किया था। इसके बाद जब 2014 में शक्ति मिल्स गैंग रेप केस हुआ था, जिसमें मुंबई के एक मिल में 22 साल की और एक 18 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, जिसमें 7 से 8 लोग दोषी पाए गए और इनमें से 3 को उस समय पे फांसी दे दी गई थी, जिसमें से 2 मुस्लिम्स थे। इस पर मुलायम सिंह ने कहा था कि पहले तो लड़की और लड़का दोनों खुद ये सब करते थे और बाद में दोनों के बीच मतभेद हो जाता है तो लड़की कह देती है कि मेरे साथ रेप किया गया। मुंबई के केस की बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब बेचारे 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? लड़के हैं, गलती हो जाती है, अभी मुंबई में 3 को फांसी दे दी, हम इस तरह के कानून को बदलने की कोशिश करेंगे। ऐसे लड़कियों का मतभेद हो गया, मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके ब्याज देती मेरे साथ रेप किया, अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बंबई। अब सोचिए ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। उनके इस बयान को निर्भया की मां ने, कई सेलिब्रिटीज ने, वुमेन एक्टिविस्ट ने, नरेंद्र मोदी और राज ठाकरे ने भी निंदा की थी। लेकिन मुलायम सिंह यहीं पे नहीं रुके, 2015 में उन्होंने रेप पर एक और बयान दे डाला कि गैंग रेप तो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा हो नहीं सकता, रेप कोई एक करता है और नाम 4 लोगों का लिख दिया जाता है। झूठे किसी को रेप में एक ने किया, 4 को लिखा दिया, ये और बच्चा रखना, मेरी जानकारी में है रेप एक ने किया और 4 को नाम लिखा दिया। अब 4 को रेप कर दिया, कभी ऐसा हो सकता क्या? ऐसा प्रैक्टिकल भी नहीं है। अब ये कह दिया होगा, वो देख रहा था, वो जान रहा था परिवार के,
चार भाई तो चारों भाई को लिख दिया भाई। जब इतना बड़ा नेता जो किसी स्टेट का पूर्व सीएम रह चुका हो, वो अगर रेप को इस तरीके से जस्टिफाई करेगा और कहेगा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, तो इससे तो गंदी सोच रखने वाले लड़कों का जो मनोबल है वो तो मजबूत होगा ही और रेप केस तो बढ़ेंगे ही, जैसा कि यूपी में देखा गया था। हालांकि इसके बावजूद भी इन नेताओं के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं दिखी। वैसे तो मुलायम सिंह ये कहा करते थे कि हम सत्ता के भूखे नहीं है, लेकिन जब मायावती की वजह से यूपी की सत्ता हाथ से जाने लगी तो उन्होंने मायावती पर जानलेवा हमला करवा दिया था। आप में से काफी लोगों ने शायद गेस्ट हाउस कांड के बारे में सुना होगा, उसमें भी मुलायम सिंह का हाथ था और ये हुआ क्यों ये भी जान लेते हैं। किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली थी, बीजेपी को 177 और समाजवादी पार्टी को 109 और बीएसपी को 67 सीट्स मिले थे और दोनों ने एक साथ मिलकर कुछ और एमपीज को साथ में जोड़कर अपनी गठबंधन की सरकार यूपी में बनाई थी। मुलायम सिंह यादव सीएम बने थे, लेकिन एक्सपर्ट्स का शुरू से ही कहना था कि ये सरकार 5 साल शायद नहीं टिक पाएगी, क्योंकि मायावती और मुलायम सिंह की आइडियोलॉजी में कुछ डिफरेंसेस थे और वो बात सच भी साबित हुई। 1995 के शुरुआत में यानी करीब अप्रैल मई के दौरान मायावती ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी को ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया, क्योंकि बीजेपी ने मायावती को सीएम बनाने का वादा किया था। तो इसके बाद मायावती दिल्ली जाती है, वहां बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर मीटिंग होती है और डील फिक्स हो जाती है कि मायावती मुलायम सिंह से अपना समर्थन वापस लेंगी और बीजेपी को सपोर्ट करेंगी, लेकिन सीएम जो है वो मायावती बनेंगी। इसके बाद मायावती लखनऊ पहुंचती है और यूपी के उस समय पे राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा। तो राज्यपाल को इस बात की जानकारी देने के लिए और बीजेपी के सपोर्ट का लेटर साथ लेकर मायावती दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाती है। तब तक मुलायम सिंह को यह पता चल चुका होता है कि मायावती सपोर्ट वापस ले रही है और अगर ऐसा होता है तो उनकी सरकार गिर जाएगी, इसलिए उन्होंने फिर किसी तरह बीएसपी को तोड़ने की कोशिश की और उनके एमपी को अपने तरफ करने के लिए बातचीत करने लगे। लेकिन कुछ 10-12 एमपीज ही समाजवादी पार्टी से मिलने को तैयार थे, पर इतने से काम नहीं होने वाला था, इसलिए मुलायम सिंह यादव अब कुछ खतरनाक करने की सोच रहे थे। तो लखनऊ में मायावती मीराबाई गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। 2 जून का दिन था, बीएसपी के सभी एमएलए भी उनके साथ में थे। तभी समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बाहुबली नाम के एक व्यक्ति के साथ गेस्ट हाउस में घुस जाते हैं और मायावती के साथ मारपीट करने लगते हैं और इस दौरान मायावती के कपड़े भी फाड़ दिए जाते हैं। जैसे तैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ एमपी उनको गेस्ट हाउस के एक कमरे में ले जाते हैं और कमरा अंदर से बंद करवा देते हैं और उनसे कहते हैं कि जब तक हम ना कहें आप बाहर मत आना। इसके बाद समाजवादी पार्टी के ये गुंडे बीएसपी के एमपी को गाड़ी में बिठाकर मुलायम सिंह के पास ले जाते हैं और वहां उन्हें जबरदस्ती एक कागज पर साइन करवाए जाते हैं और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए फोर्स किया जाता है। मायावती उस टाइम पुलिस वालों को और दूसरे अधिकारियों को फोन करती है, लेकिन मुलायम सिंह सीएम थे तो शायद उन्होंने पहले ही ऑर्डर दे दिया था, इसलिए उनको कोई भी मदद नहीं आता है। बहुजन समाजवादी पार्टी के बाकी के एमपी बाहुबली और बाकी के एमपी को किसी भी तरीके से रोकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है और वो लोग उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पे मायावती थी। लेकिन तब मायावती ब्रह्मदत्त द्विवेदी को फोन करते हैं जो फारुखाबाद से बीजेपी के एक नेता थे और मायावती उनको भाई मानती थी। तो वो अपने दल बल के साथ मीराबाई गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और बाहुबली और बाकी समाजवादी पार्टी के लोगों से भिड़ जाते हैं। ये सब जब हो रहा था तो मीडिया वाले भी वहां पहुंच चुके थे और इस वजह से समाजवादी पार्टी के लोगों में थोड़ा डर था कि कहीं मीडिया वाले इसको ब्रॉडकास्ट ना करते। जब खबर बाहर पहुंचती है तो यूपी के गवर्नर और बाकी बड़े बड़े नेता फोर्स के साथ वहां पहुंचते हैं और तब मायावती को वहां से बचाया जाता है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी जिन्होंने मायावती को बचाया, अगर वो ना होते तो मायावती की इज्जत और जान दोनों को खतरा हो सकता था। हालांकि इसके 2 साल के बाद 1997 की 10 फरवरी को ब्रह्मदत्त द्विवेदी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसके लिए समाजवादी पार्टी के विजय सिंह को दोषी पाया गया था और इन्हें लाइफ सेंटेंस मिला था, लेकिन विजय सिंह ने हाई कोर्ट में अर्जी डाल दी और इस केस के खिलाफ स्टे मांगा और कोर्ट ने स्टे दे भी दिया। लेकिन 2017 में सेम डिसीजन हाई कोर्ट से भी आता है। इसके बाद विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सोचने वाली बात यह है कि इसी बीच 2002 से 2017 तक में विजय सिंह चुनाव भी लड़ रहे थे और विधायक भी बन जाते हैं। खैर, समाजवादी पार्टी की ये तो हिस्ट्री रही है कि वो गैंगस्टर्स को सपोर्ट करते हैं। 2004 में जब डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया था जो कि उस टाइम पे समाजवादी पार्टी का एक नेता था, तो मुलायम सिंह ने उसको रिजाइन करने के लिए फोर्स किया था। इसके अलावा 1996 में समाजवादी पार्टी के आतिक अहमद को अलाहाबाद से टिकट भी दिया गया था, जबकि आतिक अहमद पर कई सारे लीगल केसेस थे। 1979 में उसके ऊपर पहला मर्डर केस फाइल हुआ था और उसके जीवन काल में उसके ऊपर पूरे 160 क्रिमिनल केसेस फाइल हुए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी यूपी के लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, सोच लो भाई कि कैसी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और आपने कैसे पार्टी को पहले वोट दिया है। नमस्कार। लड़के हैं गलती हो जाती है।